हमारे देश का युवा परेशान है, कोई इंजीनियर बन के बैठा है, कोई ग्रेजुएट होके बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए। कुछ 145 प्लस लाख के बच्चा अगर जब अपना नाम लिस्ट में नहीं देखता ना, तो कैसे पूरी रात आंसुओं के साथ गुजरती है, तुम क्या जानोगे एसएससी बाबू, तुम्हें नहीं पता। ये लोग भी इंसान है, इनकी होप है, फीलिंग है इनकी। देख लो ये टेबल कि तुम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो लोगों को, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा ना इंसाफी है। किसी का 0.5 से रह जाए, किसी का 0.25 से, किसी का 0.1 से रह जाए, क्या दिल पे बीतती है? सबकी मुसीबतें हैं, सबकी परेशानियां हैं, सबको अपने बूढ़े माँ बाप दिख रहे हैं, क्यों इन लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हो भाई? ये भी इंसाफ डिजर्व करते हैं, ये भी इस देश के लोग हैं। कैसे वो बंदा चाहिएगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करे वो, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। रिजल्ट क्या होगा मायने नहीं रखता, लेकिन उसको भी तो मौका मिलना चाहिए जिसके 149.5 है। तो एक ट्रेंड और चलाते हैं कि भाई एसएससी इंसाफ करो, एसएससी इंसाफ करो। ये एक एसएससी को इंसाफ करना पड़ेगा, और जो एसएससी रिवाइज रिजल्ट चल रहा है वो तो साथ में करेंगे, लेकिन वो आज हमने चला दिया तो कल हो सकता है ना ट्रेंड हो, इसलिए हम ये चलाएंगे कि एसएससी इंसाफ करो। ठीक है, क्लियर है भाई? आप चाहो तो करो, से पहले भी एक अंडरस्कोर लगा लो, दो अंडरस्कोर हो जाएंगे, एसएससी इंसाफ करो। और करना पड़ेगा एसएससी को इंसाफ, और क्यों नहीं करेगा भाई, इतने सारे लोगों के जिंदगियां अटकी हैं, क्यों नहीं करेगा एसएससी? करना पड़ेगा, हर एक हाल में एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? वो बच्चा बता दे कि भाई हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे भाई? मैं तो मानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं, जबकि हजार गुना गलती है तुम्हारी, फिर भी इतने सारे लोगों का भविष्य तो खतरे में चला गया ना, क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा चेयरमैन साहब, ये तो ये करना पड़ेगा, हर एक हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तुम भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि तुमने बाकी में गड़बड़ की 8.42 टाइम्स, किस हिसाब से तुमने लिया, क्या तुमने पहले बताया कि हम इतना लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा नहीं है कि जो आप बना दोगे, जो आपके मूड पे होगा वो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। और इसमें किसी सांत्वना की जरूरत नहीं, जिनका नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा बेचैन है, जिनको अगले साल की तैयारी की होप नहीं है, ना उनके पास खर्चा है ना कुछ और है। और इस बार बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे, मैं ही मानता हूं, जो 149 नंबर लेकर आया है वो 165 वाले से भी मेंस में फाइट कर सकता है, क्योंकि प्री क्वालिफाई है, कम नहीं है वो। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत नहीं करते, उनको लगता है 150 नंबर स्कोर सिक्योर कर दिया, हो जाना चाहिए मेरा, नहीं करा उन्होंने, क्योंकि एकदम एकदम आउट ऑफ द रेंज है। और बाकी देखते हैं, अभी मीडिया चैनल्स को भी इस पर सपोर्ट करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, जितने भी मीडिया वाले उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा बच्चों के साथ गलत हुआ, क्योंकि सच में गलत हुआ है। आप देखिए, अगर हम गलत हैं तो बताइए, आप पहले क्यों ले रहे थे 20 गुना, 13 गुना, 13 गुना, 16 गुना, 14 गुना, 10 गुना? कोई रूल तो फिक्स करिए कितने गुना लेंगे। घर की खेती है क्या? आज चलो मैं 2 प्याज खा लूंगा, कल मैं 3 आलू खा लूंगा, आज 2 टमाटर खा लेता हूँ, खाओगे? जब गंदी कविता सुनाओगे तो टमाटर ही खाओगे भाई? ये बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, एक ही चीज सोच सोच के होनी चाहिए। मान लेते तुमसे गलती हो गई तो सुधार दो, गलती बताओ क्यों नहीं सुधार रहे हो, रीजन दो इसका। तो मैं बच्चों से भी ये गुजारिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो जाए, खुद एसएससी चेयरमैन साहब तक भी जाए, ये चेंज करो, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, जब आपने कह दिया वैसा नहीं होगा। ठीक है,